धरा जीवन का आधार है, अन्न जल का भंडार है, खुशहाली का द्वार है, करती हर सपना साकार है। जहरीली खेती और अधिकाधिक पैदावार की चाह में धरती को बांज बनाया है हमने, सेम लवण और शार से भरकर इसे रुलाया है हमने। समय आ गया है धरती को फिर से मुस्कुराता देखें, हरी भरी फसलों को इस पर लहलहाता देखें। सरकार हमारा साथ दे रही, मिलकर साथ चलें, सारी धरती को फिर स्वर्ग करें। खेतों की पावन मिट्टी को कृषि योग्य बनाने की हर योजना में बढ़ चढ़ कर भाग लेना ही हमारे जीवन और आने वाली पीढ़ियों का उत्थान मार्ग है। हरियाणा प्रदेश में लवणीय व जलग्रस्त भूमि लगभग 10 लाख एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। ये क्षेत्र राज्य के 12-13 जिलों में फैला हुआ है। जरूरत से ज्यादा सिंचाई, पानी की निकासी ना होना, खराब फसल प्रणाली का चयन इस समस्या की मुख्य वजह है। जिला सोनीपत के गांव कठुरा, कटवाड़ा व अहुलाना में 6 वर्ष पहले लवणीय व जलग्रस्त भूमि लगभग 3,247 एकड़ के आसपास थी। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव व HOPP योजना के तहत विभाग के निर्देश पर वर्ष 2015 में 3,247 एकड़ क्षेत्र में HOPP योजना के तहत प्रोजेक्ट बनाकर इस लवणीय एवं जलग्रस्त भूमि को ठीक करके खेती योग्य बनाने का कार्य शुरू किया गया। HOPP में मौजूद हॉलैंड निर्मित ड्रेनेज ट्रेंचर मशीन व दूसरी संबंधित GCB, डोजर, ट्रैक्टर एक्सवेटर इत्यादि मशीनों से इस परियोजना के क्षेत्र को 25 ब्लॉक में बांटकर कार्य योजना मंजूर की गई। इस योजना में लवणीय जल को छिद्र युक्त पाइपों से एक निश्चित दूरी पर डालकर पानी को एक सीमेंट से बने सम्प में इकट्ठा किया जाता है एवं सम्प से सोलर पंप सेट द्वारा ड्रेन में डालकर जमीन को सुधारा जाता है। इस प्रणाली से लगभग 3 वर्ष में प्रभावित जमीन पूर्ण खेती योग्य हो जाती है एवं 3 वर्षों बाद निकलने वाले पानी की गुणवत्ता भी ठीक हो जाती है, जिसे वापस खेतों में सिंचाई हेतु प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हरियाणा जैसे राज्य में जल की कमी को दूर करने का भी एक कारण बनता है। इस योजना से गांव कटवाड़ा व कठुरा में लगभग 2,205 एकड़ क्षेत्र का सुधार किया जा चुका है एवं शेष बचे अहुलाना व कठुरा क्षेत्र में 1,042 एकड़ भूमि में कार्य अभी प्रगति पर है, जो वर्ष 2022 में पूर्ण होकर तीनों गांवों की कुल 3,247 एकड़ कृषि भूमि को उपजाऊ बना देगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए लगभग 45,000 से 50,000 रुपए प्रति एकड़ खर्च आने की संभावना है, जबकि ये खर्च एक अनुमान के मुताबिक एक फसल में ही पूर्ण हो जाता है। परियोजना पर गांव अहुलाना व कठुरा में लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च करके 3,247 एकड़ जमीन सुधार किया जा रहा है, जिसका एक अनुमान के मुताबिक प्रतिवर्ष 5,845 टन अनाज व 11.70 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होगी। ये महत्वपूर्ण कार्य किसानों के सहयोग से ही पूर्ण होता है। ये जो कठुरा गांव में लाइन दबाने का कार्य शुरू चल रहा है, इसमें बहुत बढ़िया बात है। और महाराज जी, कई साल से कोई दाना नहीं होता, ये 1322 एकड़ जमीन खराब हो चुकी है। और इसमें 4 ब्लॉक का काम रह रहा है, 7 मोहलिया। और इसमें फायदा ये है, आगे पहला फायदा तो ये हमारा जनस होगी, दूसरा फायदा है जमींदार ठेके पर ले सके है, तीसरा फायदा है कोई मोल लेने वाला आवदा अच्छी कीमत मिलेगी। इस स्कीम से ये जमीन सुधर जाएगी और किसानों की दुगनी तिगनी आय होगी। DPT कार्यालय द्वारा सभी 25 ब्लॉक की सोसाइटी रजिस्टर्ड करके 12 ब्लॉक सोसाइटी को सौंपे जा चुके हैं एवं सही क्षमता से कार्य कर रहे हैं। योजना का मूल्यांकन तृतीय पक्ष CSSRI द्वारा किया जाता है, जिससे सकारात्मक परिणाम भी आए हैं।